हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथास्तु। तो गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक्चुअली अभी बहुत जल्दी आज मैं उठ गया इसलिए हम सोचा कि एक छोटा सा राइड पे निकले गुवाहाटी के अंदर ही, छोटा सा है। और उससे पहले आज छठ पूजा की लास्ट डे है तो इसीलिए सभी बिहारी भाइयों को मेरी तरफ से हैप्पी छठ पूजा। आप लोगों को मैं बोला था कि एक सरप्राइज है आप सभी के लिए, यूट्यूब फैमिली को जो सरप्राइज है वो रिवील करने वाला हूँ, स्टे ट्यून। उससे पहले एक छोटा सा मोटो ब्लॉगिंग भी कर लेते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठंडा यहाँ पे काफी पड़ गया है, फोग गिर रहे हैं। एक्चुअली मजा आते हैं जब ये फोग गिरा रहता है, फोग से घिरा होता है तो अच्छा लगता है, मगर इसका जो नजारा है वो नजारे का लुत्फ नहीं उठा पाते। मौसम में राइड करने में मजा आता है मगर यहाँ का जो नेचर है एनवायरनमेंट है वो आपको अच्छी तरह से लुफ्त नहीं उठा पाते क्योंकि चारों ओर से फोग गिरा रहता है तो डेफिनेटली इट गोना बी डिसअपॉइंटिंग। If you are devotee, then you must visit Sai Baba Temple in VIP Road. पहले ये सब जगह जो है था बहुत ही खराब जगह था, अभी इतना अच्छा हो गया, बहुत बड़ा कॉलोनी बन गया। आज साई बाबा टेम्पल के अंदर तो हम नहीं घुसेंगे। कभी भी आप लोग साई बाबा टेम्पल में आना चाहते हैं, मैं एड्रेस थोड़ा सा बोल देता हूँ। अगर आप 6 माइल की तरफ से आते हैं तो राइट हैंड साइड पड़ेगा राधानगर करके एक जगह है, बाइलेन है, वो बाइलेन में घुस के आपको एकदम सीधा लास्ट तक आना है, तब जाके ये श्रीदी साई बाबा का जो टेम्पल है उस टेम्पल तक पहुँच सकेंगे, तो जरूर आइएगा। वेलकम टू साई बाबा टेम्पल। तो चलिए अभी 6 माइल तक चलते हैं, वहाँ पे चाय वाय पीते हैं और मेरा जो सरप्राइज है वो रिवील अभी करूँगा। तो गाइज अभी आते आते मैं आप लोगों को जो सरप्राइज देने वाला था, पिछले वीडियोस में भी आपको मैं बोला था कि मैं एक आप लोगों को सरप्राइज जरूर दूंगा, तो वो सरप्राइज देने का वक्त आ चुका है। अभी मैं आप लोगों को जो है वो सरप्राइज बोलने वाला, शायद आप सभी को पता नहीं होगा, किसी किसी को पता होगा जो मेरे से रिलेटेड है या फिर कोई मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे अगर जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली उन लोगों को पता चल गया होगा कि आई एम गोइंग टू मैरी। जी हाँ भाई लोग, आप लोगों का भाई अभी शादी करने के लिए जा रहे हैं, एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुका है। आप लोग फोटोशूट करने के टाइम में भी वो लड़की को देखे हैं, उनका नाम है सानिया, शी इज़ फ्रॉम ऑल्सो गुवाहाटी बट शी इज़ बेंगली, आई एम असमीज और वो लड़की जो है वो बेंगोली है। मैं आप लोगों को अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन ज़रूर करवा दूंगा। विश करिए कि हम लोगों का जो लाइफ है वो अच्छी तरह से चले, कभी अपना भाई व्लॉगिंग करने के लिए नहीं छोड़ पाए और शादी करने के बाद अगर मुझे छोड़ना पड़ा तो ये बहुत ही बड़ी चूक होगी मेरे लिए और विश करिएगा कि ऐसा बिल्कुल ना हो। यही था एक सरप्राइज, एंगेजमेंट 2 दिन पहले ही हो चुका है, उसका फोटो क्लिक भी मैं आपको दिखा दूंगा और फोटोशूट का फोटो मैं लिया हूँ वो फोटो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इसका नेक्स्ट वाला वीडियो जो है वो फोटोज के ऊपर ही मैं एक वीडियोस बनाऊंगा तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि अच्छा लगेगा जरूर। क्या आप लोग कभी पिठा खाए हैं? यहाँ पे पिठा जरूर मिलेंगे आपको।
आज वही टेस्ट करेंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये चावल से बनाते हैं और वहाँ पे नारियल, कोई कोई जगह में नारियल देता है, कोई कोई जगह देता है गुड़। इसके साथ मैं चाय पीऊँगा। यह एसएमएस ट्रेडिशन का एक पीठा होता है, एक कुकीज होता है, दिखाते हैं आपको। के बारे में आपको बोल रहा था, ये चावल से बनाते हैं और यहाँ के अंदर आपको गुड़ मिलता है और कोई कोई नारियल भी देता है। यहाँ पे गुड़ है तो इसलिए टेस्टी है। कभी भी आइए तो खाने के लिए जरूर आइएगा। मैं सोचा था कि बहुत सुबह में उठ गया, आज ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत देर से उठा, 7 या 7:07 बजे उठा था करीब, और यहाँ पे पहुँचते 7:45 ऐसे हो गया, तो ऑलरेडी सब कुछ खुल चुका था। इतना देर से नहीं उठना है यार। तो गाइज ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बोलिए और प्लीज़ मुझे विश करिए कि मेरी लाइफ जो है बहुत ही अच्छी तरह से कटे। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय आई होम, बाय गाइस, लव यू ऑल।